Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sneha and I hope you all are doing great. So today I'm gonna show you this skincare routine which is very simple and effective and in very affordable price you will get. So let's get started. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो लाइट मेकअप कैरी करा हुआ है इसको रिमूव करना है. तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया हुआ है लॉरियल पेरिस से लिप एंड आई मेकअप रिमूवर फॉर वाटरप्रूफ मेकअप. तो ये बहुत ही अच्छा रहता है. उसके साथ यहाँ पे मैंने वेट वाइप्स जो की है बिग बास्केट से मैंने लिया हुआ है. आप चाहो तो कोई भी वेट वाइप्स ले सकते हो बट मैं यही प्रिफर करूँगी. ये बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट एंड स्मूथ रहता है. तो सबसे पहले आप एक वाइप निकाल लो. उसके बाद अच्छे से पहले स्किन को आपके जो फेस है उसको अच्छे से क्लीन कर दे. तो देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह आप एकदम हल्के हाथों से आप क्लीन कर दे. उसके बाद यहाँ पे मैंने लॉरियल से रिमूवर लिया हुआ है. तो यहाँ पे मैंने 2-3 ड्रॉप्स मैंने अपने जो वेट वाइप से उस पर लगाया है. उसके बाद मैं इसे रिमूव कर रही हूँ अपने फेस पे. तो देख सकते हैं मेरे जो आई मेकअप है काजल या तो मस्कारा हो कुछ भी हो ये आराम से निकल जाता है. मतलब बहुत ही स्मूथली ये काम करता है. तो मैं तो आपको यही प्रिफर करूँगी कि आप ये जो है मेकअप रिमूवर ये ज़रूर ट्राई करें. सही में ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है. और थोड़ा बहुत आप अपने जो लिप्स है उस पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो रिमूव करने के लिए. उसके बाद थोड़ा बहुत आप अपने नेक पर भी अच्छे से रिमूव कर दे. उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिनजिंग के लिए लिया हुआ है वाव प्रोडक्ट से उपतन फॉर्मिंग फेस वॉश विथ बिल्ट इन फेस ब्रश. तो ये ब्रश के साथ आती है. ये जो है मेरा जो प्रोडक्ट ये मेरा सेकेंड परचेस है. मैंने फर्स्ट परचेस में लिया हुआ था एप्पल साइडर और इस बार मैंने लिया हुआ है उपतन का. तो दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है. आपकी जो स्किन है डेड सेल्स को अच्छे से ये रिपेयर करती है. साथ में ही आपके जो स्किन के पोर्स है उसको भी मिनिमाइज़ करने में हेल्प रखती है और आपके जो स्किन को ब्राइटन अप भी करती है. सेम टाइम पर आपका जो स्किन को ग्लोवी और इसको हल्का सा सॉफ्ट एंड स्मूथ रखती है. तो आप ज़रूर ट्राई करें. अगर आपको पसंद हो एक बार आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. ये बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए. तो ये बहुत ही अच्छा है और मैं जो है डेली 2 times मैं ये अप्लाई करती हूँ जैसे कि मॉर्निंग में एंड नाइट में बिफोर बेड. तो आप इसी तरह करें और देखिए रिज़ल्ट आपको दिख जाएगा. तो ज़रूर आप ट्राई करें. इसी तरह आप सर्कुलर मोशन में आप इसे अच्छे से रब करते जाइए और आपके जो लिप्स है उसको भी आप इसी तरह हल्का सा मसाज दीजिएगा सेम ब्रश के हेल्प से. इससे क्या होगा आपके जो लिप्स है उसको भी सॉफ्टन मिलती है. तो मैंने यहाँ पे पानी से अपना फेस अच्छे से वॉश कर दिया है. एकदम सॉफ्ट और स्मूथ फील हो रही है. उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ करा हुआ है गुड वाइफ से एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क. आप अगर चाहो तो जस्ट चारकोल मास्क भी मिल जाती है. आप वो यूज़ कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पील ऑफ मास्क से. तो इसी तरह मैं अप्लाई करूँगी. तो अपने हाथों के हेल्प से ही मैं इसे अप्लाई करूँगी. अगर आप चाहो तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं. तो इसे अच्छे से मैं अप्लाई करूँगी और इसे मैं 15-20 मिनट तक मैं इसे ड्राई होने तक रखूँगी मैं. तो देख सकते हैं ये एकदम अभी अच्छे से ड्राई हो चुका है. तो देखिए मैं ऐसे हाथ लगा के भी देख रही हूँ. तो इसी तरह हमने किस तरह धीरे धीरे हमने नीचे से हमें इसे खींचना है. ऊपर से आप ना करें. आप नीचे से करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फेस के जो हेयर से वो रिमूव होने में हेल्प करेगी. तो देखिए ये जब आप हटाएंगे हटाने के बाद एकदम आपको स्मूथ फील होगा. उसके बाद अपने फेस को मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है वाटर से. तो उसके बाद यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऑफलाइन पे टोनर अप्लाई करा हुआ है मैंने अपने फेस पर. तो हल्का सा मैं इसे हल्का सा डैब डैब करके मैं इसे मॉइस्चर करूँगी. उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ गुड वाइफ से पपाया का ग्लो फेस मास्क. तो ये जो फेस मास्क है मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. मतलब ये बहुत ही मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है
अब तक। तो अगर चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो आप इस तरह। तो देखिए किस तरह मैं कर रही हूँ। तो पहले हमने इसे अच्छे से अप्लाई ऐसे कर लेना है, उसके बाद हल्का सा हमने इसे मसाज देनी है पहले। तो जो पपाया का फेस मास्क रहता है, ये जो है हाईली पिगमेंटेड एरिया को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करती है। ग्लोवी ब्राइटनिंग फेस, इस तरह ये इसका जो है काम ये करता है। तो इसी तरह मैं पहले मसाज करने के बाद हल्का से इसको अच्छे से फील करके इसको भी मैं 10 से 15 मिनट तक रख दूंगी ड्राई होने तक। तो देख सकते हैं अच्छे से आप अप्लाई कर दे और इसे छोड़ दे जब तक ये हल्का सा ड्राई ना हो जाए। अगर आप अपने नेक एरिया पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है ऑलमोस्ट हो गई चुकी है ड्राई। आप इस तरह टच करके भी देख सकते हैं या तो आपको फील भी हो जाएगा जब ये ड्राई हो जाता है। उसके बाद हमें इसे हल्के हाथों से मसाज करना है। तो हम ड्राई में डायरेक्टली मसाज नहीं कर सकते, तो हल्का सा पानी या तो रोज़ वाटर या तो फिर टोनर जो भी है आपके पास वो आप हल्का सा अपने फेस पे स्प्रिंकल कर दे। उसके बाद जस्ट इस तरह मैं जैसे कर रही हूँ इसी तरह आप मसाज कर लीजिए। तो थोड़ी देर इसी तरह मसाज करिए 1-2 मिनट तक। अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छा सा पानी से फिर से अच्छे क्लीन कर दिया है। आप जस्ट फील कर सकते हो, आप देखने में तो बोल नहीं सकती मैं, बट आप फील कर सकते हो ज़रूर। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब से ग्रीन टी ग्लो टोनर। तो इसी तरह मैं यहाँ पे पहले अप्लाई करूँगी, स्प्रे करूँगी, उसके बाद हल्का सा अपने हल्के हाथों से डैब डैब करके इसे ड्राई होने तक मैं वेट करूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो टोनर है वो हल्का सा ड्राई हो चुका है। तो आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको फील होगा कि ये कितना होता है ना सॉफ्ट एंड स्मूथ होके रखा है आपका फेस। तो उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करें, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो गुड वाइब से यहाँ पे मैंने 2 चीज़ लिया हुआ है। एक तो है रोज़ हिप का रेडियंट ग्लो फेस सीरम और दूसरा जो है गुड वाइब से ही है जो कि है एलोवेरा जेल। तो ये 2 आप अप्लाई कर सकते हो साथ में, बट अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो तो सनस्क्रीन आप अप्लाई ज़रूर करें। तो ये जो है आप वीक में 2 बार आप ज़रूर करें, और जो डेली रूटीन में अगर आप करें तो सेम करें, बट बस 2 चीज़ छोड़ के जो कि है आपका जो जो पील ऑफ मास्क है वो वाला एंड जो मास्क आपने अप्लाई किया है वो। तो 2 चीज़ छोड़ के आप डेली इसी तरह आप कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाली हूँ डे रूटीन। वैसे स्किन केयर करना भी ज़रूरी होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ स्नेहा प्रधान भाटी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।